हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच इज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी जो इसका लेंथ है वो ये है 10 सेंटीमीटर वाइड, यानी जो इसका ब्रिथ है 10 सेंटीमीटर है, एंड 8 सेंटीमीटर हाई, यानी जो उसका हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमको फाइंड क्या करना है, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। ठीक है ना, मतलब हमको सबसे पहले दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक, उसके बाद हमको ये बताना है कि कौन बड़ा है। ठीक है ना, मतलब क्यूबाइडिकल का लेटरल सरफेस बड़ा है, क्यूबिकल का या क्यूबाइडिकल का। ठीक है ना, और कितना बड़ा है ये भी हमको बताना है। अब दूसरे नंबर में, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। ठीक है ना, उसके बाद दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, उसके बाद हमको ये बताना है कि क्यूबिकल बॉक्स या क्यूबॉइडिकल बॉक्स दोनों में से किसका टोटल सरफेस एरिया छोटा है। ठीक है ना, और कितना छोटा है ये भी हमको बताना है। ठीक, तो आइए एक बार क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। ठीक, इसमें ये बोल रहा है कि एक क्यूबिकल बॉक्स है, मतलब समझिए इसका जो शेप है वो क्यूब टाइप है, और एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स है। ठीक, उसका जो शेप है वो क्यूबॉइड टाइप है। ठीक, उसके बाद हमको इसका एज दे दिया है और इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया। ठीक, तो इस आधार पे हमको ये सब फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं दोनों का, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है और कितना बड़ा है ये भी हम बताएंगे। ठीक, तो पहला नंबर हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, तो लेटरल सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं इसका क्यूबिकल का। ठीक, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा। ठीक, देखिए जो लेटरल सरफेस एरिया होता है किसी भी क्यूब का वो होता है 4 into a² ठीक, 4 into a² ठीक, और जो a होता है वो क्या होता है, साइड होता है। ठीक है ना, a इक्वल टू साइड, या उसको एज भी बोलते हैं, यहाँ पास लिखा है ना, उसको साइड या एज। ठीक है ना, ये क्या है, हमारा साइड है। ठीक, तो इस फॉर्मूले पर हम पुट कर देंगे इसका वैल्यू, तो आ जाएगा हमारा जो टोटल लेटरल सरफेस एरिया है इस क्यूबिकल बॉक्स का, तो 4 into 10² ठीक, तो आ जाएगा हमारा 4 into, अब देखिए 10 into 10 100 हो जाएगा, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इसका जो एरिया आएगा लेटरल सरफेस एरिया जो क्यूबिकल बॉक्स है वो आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, क्योंकि इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है। ठीक, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में है। ठीक, अब निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडिकल बॉक्स। ठीक है ना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। ठीक, अब देखिए जो क्यूबॉइड का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 into l + b, 2 into l + b इंटू एच। ठीक, ये हम इस फॉर्मूले से किसी भी क्यूबॉइड शेप का फिगर है, मान लीजिए आप पास बोला है क्यूबॉइडिकल बॉक्स। ठीक है, उस बॉक्स का जो शेप है वो कैसा है, क्यूबॉइड टाइप में है। ठीक, तो उसका जो लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक, तो इस फॉर्मूले पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, आ जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा 2 into l + b। तो लेंथ कितना दिया, देखिए ये लॉन्ग बोला है, मतलब उसका जो लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर है। ठीक, 12.5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ दिया है हमारा वाइड, मतलब उसका चौड़ाई यानी जो ब्रेथ है। ठीक, 10 सेंटीमीटर इंटू, अब हाइट 8 सेंटीमीटर है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 into, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 22.5 आएगा। ठीक, ये 22 है, इंटू 8। ठीक, अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। ठीक, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4 1 5, 2 2 जा 4 इंटू 8। ठीक, और मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए पॉइंट के बाद उधर 0 है, तो इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं है, तो आप मिटा भी सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो मेन नंबर है वो हमारा कितना है, 45 है, उसके बाद पॉइंट लगा है, और उस पॉइंट के बाद कोई नंबर है ही नहीं है, 0 है, तो इसका कोई वैल्यू है ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ आप चाहे तो मिटा भी सकते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है ना, ठीक,
तो 45 इंटू 8, 8 फाइव जा 40, 0, 8 फोर जा, जो 8 फोर जा होगा 32 होगा, ठीक। अब 32 और 4 36 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक। मतलब देखिए, लेटरल सरफेस एरिया जो क्यूबिकल बॉक्स का है वो है हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, और जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडिकल बॉक्स इक्वल टू 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, हमको ये बताना है पहले नंबर में, ठीक है ना, कि विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर कीजिए, देखिए 400, ठीक है ना, और 360, जब आप कंपेयर करेंगे तो ये जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका लेटरल सरफेस एरिया बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पास देख सकते हैं ये 400 है, ये 360 है, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम बोल सकते हैं इस कंडीशन को सॉल्व करने के बाद, जब इसको निकाल लिए, इसको निकाल लिए, उसके बाद हम स्टेप रहेगा वो यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है ना, जो हमारा क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज ग्रेटर, ठीक है ना, ग्रेटर है क्योंकि यहाँ पास 400 वैल्यू है इसका स्क्वायर में, ठीक है ना, मतलब 400 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है, इसका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है, तो ये बड़ा है। और कितना बड़ा है, एंड इज मोर, है ना, ग्रेटर है, एंड इज नहीं लगाना पड़ेगा, एंड मोर बाय, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो 400 माइनस 30, मतलब देखिए, अब जब इसको माइनस करेंगे 400 में 360 का, तभी तो मालूम चलेगा कि कितना का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, मतलब हाउ मच, मतलब कितना एरिया बड़ा है, ठीक है ना। तो इसको माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा हमारा 400 माइनस 360, तो हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब कितना बड़ा है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर से, मतलब इतना एरिया बड़ा है, ठीक है ना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, जो क्यूबिकल बॉक्स का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो 400 है और क्यूबॉइडिकल का 360, तो बड़ा ये हुआ, और कितना बड़ा हुआ है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट बड़ा हुआ, ठीक है ना। इसको आपको लिखना है, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं इसको मिटाने वाला हूँ, उसके बाद हम अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पास बोला है विच बॉक्स हैज स्मॉलर, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अब जो सेकेंड नंबर कंडीशन है उसमें हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, मतलब दोनों का जो क्यूबिकल बॉक्स है और क्यूबाइडिकल बॉक्स है उन दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, और बताएंगे कि कौन छोटा है और कितना छोटा है, ये हमको बताना है, ठीक। तो सेकेंड नंबर है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इक्वल टू, ठीक। तो देखिए, किसी भी क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया निकलता है वो 6 इंटू ए स्क्वायर फॉर्मूले से निकलता है, ठीक। जहाँ पास जो ए होता है, ठीक है ना, वो साइड होता है उस क्यूब का, या आप बोल सकते हैं साइड, मतलब समझिए, अब लेंथ ब्रेथ और हाइट की मैं बात कर रहा था, ठीक है ना, मतलब कितना लेंथ है, कितना ब्रेथ है और कितना हाइट है, मतलब इसको डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास इस साइड, मतलब वो वाला साइड मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना, फ्रंट साइड में वो सब नहीं समझना है, मतलब देखिए इसी यहाँ पास एज, मतलब जो क्या है एज है, किनारा है, मतलब कितना लेंथ है, कितना ब्रेथ है और हाइट है, तो क्यूब में तीनों इक्वल होता है, या एज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ये लेंथ ब्रेथ और हाइट की, हाइट के जवाब में साइड लिखा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक, तो ए कितना है हमारा, 10 है, यहाँ पास लिखा है 10, मतलब क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज, मतलब जो प्रत्येक लेंथ ब्रेथ और हाइट यानी जो एज है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो जो हमारा फाइनल आ जाएगा वो जाएगा, ये तो 100 हो जाएगा, 10 इंटू 10 100, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। मतलब जो टोटल सरफेस एरिया आया है क्यूबिकल बॉक्स का,
600 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर है। ठीक, अब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं हम क्यूबाइडिकल बॉक्स का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स वो क्या हो जाएगा। देखिए, अब किसी भी क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया निकलता है वो इस फॉर्मूले पर निकलता है, 2 × LB + BH + HL। ठीक, लेंथ ब्रेथ हाइट, देखिए लेंथ ब्रेथ और हाइट है, ठीक है ना, मतलब L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ और H फॉर हाइट। अब पुट कर देते हैं, यहाँ पास दिया है हमारा उसका डायमेंशन, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ठीक, तो 2 × ठीक, अब लेंथ कितना है 12.5, ठीक है ना, सेंटीमीटर इंटू 10, ब्रेथ हमारा 10 है, प्लस ब्रेथ कितना है 10 है, हाइट कितना है हमारा 8 है, प्लस हाइट हमारा 8 है, लेंथ हमारा 12.5, ठीक है ना, यही ना है 12.5। ठीक, अब इसका जो आएगा मतलब जो वैल्यू आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पास तीनों डायमेंशन का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 × यहाँ पास तो हो जाएगा 120, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट उधर साइड चला जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ पास 80 हो जाएगा हमारा, 10 × 8 80 ही होगा, प्लस इसमें इसको डिवाइड करते हैं। ठीक, तो डिवाइड करेंगे तो 85 जा 8 × 5 = 40 को 0, ठीक, कैरी हुआ 4, ठीक, 8 × 2 = 16 = 4 = 20, ठीक, 20 को 0, ठीक, 8 × 1 = 8 और 2 = 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अभी देखिए पॉइंट लगाना मैं भूल गया था, तो यहाँ पास पॉइंट आएगा, ठीक है ना, तो बचेगा देखिए, अब 100 के बाद पॉइंट है, ठीक है ना, और उसके बाद 0 है, तो इसका कोई वैल्यू है ही नहीं है, तो इसको आप मिटा भी सकते हैं। ठीक, जब 12.5 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। ठीक, इसको ऐड कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 × 2, इसको ऐड जब करेंगे तो देखिए 120 + 100 = 225, ठीक है ना, 125 है। ठीक, तो 125 + 100 = 225, ठीक, उसके बाद जब 225 में जब हम 80 जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो हमारा आ जाएगा 305, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई, ये आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में, अभी मल्टीप्लाई करना बाकी है, ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, ठीक, इसका जो फाइनल आंसर है, ठीक, वो हो जाएगा 25 × 10 और 23 × 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारा फाइनल आया, ठीक है ना, मतलब 610 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर आएगा इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स का, ठीक है ना। अब कंपेयर कर देते हैं कि कौन छोटा है, ठीक है ना, बोला है कि विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, तो देखिए 610 है, ये 600 है, ठीक है ना, मतलब छोटा कौन हुआ, क्यूबिकल बॉक्स हुआ। ठीक, यहाँ पास बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है ना, या अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज स्मॉलर ही बोला है ना, हाँ, एंड कितने से बड़ा, कितने से छोटा है, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 600 है, ठीक है ना, और इसका 610 है, तो ये छोटा आ गया। ठीक, वही मैं लिखा हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज स्मॉलर, ठीक, एंड, ठीक है ना, एंड लेस, कम है, लेस देन कितना कम है, 610 - 600। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 cm², ठीक है ना, तो 10 cm² से कम भी है, ठीक है ना, छोटा भी है, स्मॉलर है, और 10 cm² एरिया में अगर कंपेयर किया जाए, बोला है ना हाउ मच, तो 10 cm² कम है। ठीक, ऐसे ही आपको करना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।